हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप बाय शालिनी। दिस इज क्लास थर्ड सोशल स्टडी बुक चैप्टर 12 द फूड वी ईट। इससे पहले मैंने चैप्टर की कंप्लीट बुक एक्सप्लेनेशन को शेयर किया है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीटेड बुक एक्सरसाइज रीड एंड आंसर एक्सरसाइज ए टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं और उनके ऑप्शंस हैं, जो करेक्ट आंसर है उसको यहाँ टिक करना है। पीपल लिविंग इन वेस्टर्न इंडिया प्रेफर ईटिंग, वेस्टर्न इंडिया के लोग क्या खाना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं? व्हीट जौर राइस, राइस आंसर सी इज करेक्ट। सेकंड, किडनी बीन्स एंड ब्लैक ग्राम्स आर स्पाइसेस, ऑयल सीड्स आर पल्सेस, दे आर पल्सेस। वी गेट ऑयल फ्रॉम कोकोनट, सिनामोन, किडनी बीन्स, वी गेट ऑयल फ्रॉम कोकोनट। पेपर इज स्पाइस एंड ऑयल सीड ए फ्रूट, पेपर इज स्पाइस, ये एक मसाला है। काजू कतली इज ए क्रॉप, फ्रूट आर स्वीट्स, आंसर सी दिस इज स्वीट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। एक्सरसाइज बी में फिलअप्स करना है और जिस यहाँ पे बॉक्स में ऑलरेडी क्लूज दिए हुए हैं, राइस व्हीट एंड डैश आर फूड ग्रेन्स, करेक्ट आंसर इज बाजरा। पीपल लिविंग इन ईस्टर्न इंडिया मोस्टली ईट राइस, वी कैन गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ मस्टर्ड, वी एड स्पाइसेस टू आवर डिशेज टू मेक देम टेस्टी। एक्सरसाइज सी, आंसर दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर को मैंने नोट कॉपी में लिखा हुआ है। ये आंसर्स अगर आपके स्कूल में कराए जाते हैं तो आप इनको लिख सकते हैं। हर स्कूल में टीचर जो हैं वो आंसर अपने तरीके से किड्स को लिखवाते हैं। क्वेश्चन वन, व्हाई डू फार्मर्स इन आवर कंट्री ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। बुक में भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाई डू फार्मर्स इन आवर कंट्री ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। आंसर इज फार्मर्स इन आवर कंट्री ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिटरमाइंस द क्रॉप्स दैट ग्रो देयर। सेकेंड क्वेश्चन इज विच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन्स। डिफरेंट सीजन के डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को यहाँ पे आंसर में लिखना है। वेजिटेबल फ्रूट्स एंड सीजन्स, वेजिटेबल्स में पम्पकिन, ग्रीन बीन्स और फ्रूट्स में मैंगोज एंड चेरीज, जो कि समर सीजन में अवेलेबल होते हैं। कैबेज एंड पीज एंड फ्रूट्स में ग्रेप्स एंड ऑरेंज, विंटर सीजन में अवेलेबल होते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू वी यूज स्पाइसेस, राइट द नेम्स ऑफ थ्री स्पाइसेस। हम मसाले क्यों यूज़ करते हैं, राइट द नेम्स ऑफ दिस स्पाइसेस। किड्स अपने मम्मा से पूछ सकते हैं स्पाइसेस नेम को, उनके यूजेस को। यहाँ आंसर में मैंने दिया हुआ है, स्पाइसेस मेक द फूड टेस्टी एंड कलरफुल, ब्लैक पेपर, क्लोव एंड बे लीव्स आर स्पाइसेस। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो फ्रूट्स जहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं वहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैसे वहाँ पर पहुँचते हैं इंडिया के अलग अलग शहरों में, सिटीज़ में? आंसर इज इंडिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स टेक थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमारे देश में, इंडिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है, ट्रक, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स के थ्रू
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर थिंग्स को पहुंचाया जाता है। एक्सरसाइज डी, थिंक एंड आंसर। पीपल इन नॉर्थन इंडिया मोस्टली ईट व्हीट, व्हाई? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बच्चों को भी ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नॉर्थन इंडिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हीट क्यों खाते हैं। आंसर मैंने यहाँ दिया है, नॉर्थन स्टेट्स प्रोड्यूस व्हीट इन ह्यूज क्वांटिटी ड्यू टू अबेंडेंस ऑफ व्हीट। पीपल मोस्टली ईट व्हीट इन नॉर्थ इंडिया। सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे किड्स की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर इंक्लूड किया है, जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, उनके नॉलेज के लिए, उनके जीके को इन्हेंस करने के लिए। एक्स्ट्रा जीके बेस्ड क्वेश्चंस, गिव फोर एग्जांपल्स ऑफ ईच। यहाँ पे पल्सेस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नेम्स को लिखना है, फोर पल्सेस नेम, फोर वेजिटेबल्स नेम एंड फ्रूट्स नेम, स्पाइसेस एंड स्वीट डिशेस। और स्पाइसेस के भी उनको फोर नेम्स आप लिखने को बोलिए, और स्वीट डिशेस जो उनको पता है, जो हमारे इंडिया के फेमस स्वीट डिशेस हैं। इससे किड्स को जीके की अच्छी नॉलेज होगी और उनका जो है आईक्यू बहुत ही इन्हेंस होगा। ये वीडियो अगर आपके किड्स के लिए हेल्पफुल हो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।